सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर भी दो इक्वेशन दी हुई है, 2x-3y=9, 2x+y=13। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो रूल है। एक तो कोई भी एक वेरिएबल जो है ये उसके कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, और दूसरा उन दोनों की साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास दो यहाँ पर आप आपके पास दो ऑप्शन है। आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या तो इसकी साइन चेंज कर दो, क्योंकि इसका देखो एक्स का अगर आप कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन दोनों के साइन प्लस प्लस है, तो एक की माइनस कर दो। या तो ये वाला जो है वाई 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 कौन सा है, ये सेकेंड इक्वेशन वाला वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। मैं यहाँ पर साइन चेंज कर देता हूँ। मैं साइन कैसे चेंज करता हूँ, ऊपर का वैसा लिख देता हूँ 3y=9, नीचे का जो है उसकी साइन चेंज कर दूंगा। 2x प्लस में था, अब हो गया माइनस में, प्लस वाई था तो माइनस वाई हो गया, 13 प्लस में था तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब 2x-2x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, -3y और -1y, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, -3 और -1। कभी भी अगर दो माइनस में रहा, सम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर दोनों माइनस में रहा तो उनको प्लस कर दो, 3+1 4y, लेकिन साइन माइनस की लगा दो। ठीक है, 9 में से 13 गया, बड़े में छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़े की साइन माइनस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को इधर लाए, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, -4 को -4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों कट हो गए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी, 1 हो जा रही, वाई की वैल्यू क्या आ जा रही, 1 हो जा रही। ठीक है, अब आपको निकालना है एक्स। एक्स को कैसे निकालते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा एक्स। मैं पहली वाली इक्वेशन या सेकंड वाली इक्वेशन भी आप लिख ले सकते हो, सेकंड वाली इक्वेशन ले लो ये वाली, क्योंकि वहाँ पर वाई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ईजी पड़ेगा, +y=13। अब वाई की जगह मैं डाल दूंगा 1, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। ठीक है, 13, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर प्लस है ना, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 13 माइनस 1 कितना होता, 12 होता, तो 2x=12 हो गया। ठीक है, अब 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपको, 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x और y की वैल्यू ये कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और चेक करो कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। सो फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे दो इक्वेशन है। तो पहला हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल यही करते हैं कि हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें से m या n को निकालना है, किसको निकालना है ये हम लोग को चूज करना है ना। तो आप देखो सबसे पहले यही चेक करते हैं कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। तो m का कोएफिशिएंट देखेंगे, एक 5 और एक 1 है तो सेम नहीं है। n का कोएफिशिएंट देखेंगे, एक -3 एक -6 है, ये भी सेम नहीं है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो आप कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो। अब आपके ऊपर आप कौन सा करते हो जो आपको ईजी पड़े। तो मैं देखो यहाँ पर या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 -6, फिर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा सेकंड वाले इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि पहला 5 है, मैं नीचे वाला भी 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसी यही वाला यूज़ करते हैं, आप पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा लिखेंगे, क्योंकि उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, या आप बोल सकते हो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब m को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5m हो जाएगा। 6 -6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -30n हो जाएगा, 6 5 30 होता है। -7 को 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो -35 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट तो हमने m का सेम कर दिया, लेकिन दूसरा रूल ये बोलता है कि उनका साइन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर साइन जो है वो सेम है, तो अब अलग करने के लिए नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगा, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको भी प्लस। ठीक है, आप एक अलग से स्टेप कर सकते हो कि साइन चेंज कर रहे हो आप, चेंज द साइन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 भी लिख सकते हो, 3 4 करके जो भी आप लिख सकते हो। इन दोनों को मैंने चेंज कट कर दिया, क्योंकि 5 -5 0 होता है। अब आपके पास देखो क्या है, -3n + 30n, तो 30 में से 3 गया, कितना बचता है, 27। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 27n बच गया, लेकिन अब ये चेक करना है इसको प्लस लगाना है या माइनस। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 30 है, उसकी साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दिया। 35 + 19, दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो, 35 + 19 कितना होगा, ऑब्वियसली 54 होगा।
ठीक है। तो 20, अब देखो 27 और n के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 27 को इधर लाके क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि हमको निकालना है n, तो n के साथ जो भी है वो सारी चीज़ को इधर लेके आएंगे। अब 27 वन ज़ा, 27 टू ज़ा, 27 के टेबल में 2 टाइम्स पर क्या आता है, 54 आता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल गई है 54। अब आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ ऊपर से और m की वैल्यू निकालो। मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन उठाता हूँ, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। आप कोई भी पहला भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब n की जगह हम डाल देंगे 2, तो m माइनस 6, n की जगह डाल देंगे 2 माइनस 7। तो बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 2 12 माइनस 7। अब ये माइनस 12 एम के साथ माइनस 12 है, हमको एम निकालना है तो एम के साथ वालों को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस 12 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 7 को प्लस 12 कर देंगे, मतलब ये हो गया 12 में से 7 गया, 12 माइनस 7, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 12 माइनस 7। अब आप देखो ये दो इक्वेशन लिखने के हिसाब से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जा रही, ये वाले इजीली सॉल्व हो जाएंगे लेकिन ये वाले में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, जबकि दोनों सेम है। 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5 बचेगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई 5, तो n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल गई। इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।